यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव के घर पहुंचे हैं जयंत चौधरी। अखिलेश के घर पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। अखिलेश यादव से जयंत चौधरी ने मुलाकात की है। आज सीटों के बंटवारे पर लग सकती है मुहर। जयंत चौधरी ने अखिलेश के साथ फोटो को ट्वीट किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको यूपी की राजनीति से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव के घर पर जयंत चौधरी पहुंचे हुए। आपको बता दें कि अखिलेश के घर पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे, जहां पर अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि आज सीटों के बंटवारे पर भी मुहर लग सकती है। जयंत चौधरी ने अखिलेश के साथ फोटो ट्वीट की है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने फोटो ट्वीट करते हुए कैप्शन लिखा है, बढ़ते कदम। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर भी अब कयास जो है वो तेज होते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से अखिलेश यादव की जयंत चौधरी से आज मुलाकात हुई है, सीटों के बंटवारे पर जो संभावनाएं थी, जिन मुद्दों पर बात नहीं बन पा रही थी, आज उन्हीं सभी मुद्दों पर बात होती नजर आ रही है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नितिन, आज आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अखिलेश के घर पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी है? इन दोनों के बीच एक बैठक जो है वो चल रही है, क्योंकि बीते दिनों एक बैठक होनी थी, लेकिन उसमें बताया जा रहा था कि जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पाया था सीटों के गणित को लेकर के। और उसके बाद अभी अखिलेश यादव के आवास पर जयंत चौधरी के साथ एक बैठक उनकी हो रही है, और कहीं ना कहीं सीटों के गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच जयंत चौधरी की तरफ से एक फोटो ट्वीट किया गया है, और उस ट्वीट करते हुए फोटो में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, बढ़ते कदम, जो उसका कैप्शन है। तो इससे साफ तौर पर साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच जो बात है वो बन गई है। फिलहाल जो सूत्रीय खबर यही है कि 30 सीटों पर बात बनी है, और समाजवादी पार्टी आरएलडी का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिम के हिस्से में 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें जो प्रत्याशी होंगे और जो बैनर होगा वो आरएलडी का ही होगा, और आरएलडी के 30 प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ प्रमुख 3 सीटें थी जिसको लेकर काफी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था और काफी बवाल भी था, लेकिन उस पर भी बताया जा रहा है कि अब बातचीत हो गई है और लगभग मामला तय हो गया है, और अब आने वाले दिनों में इन चीजों का ऐलान भी दोनों नेता एक साथ बैठकर करते हुए नजर आएंगे। अनुष्का जी, नितिन, जिस तरह से 3 सीटों को लेकर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर सूत्रों के हवाले से यह खबर थी कि डिप्टी सीएम के पद को लेकर भी दावेदारी जयंत चौधरी पेश कर रहे थे। ऐसे में क्या लगता है कि जो 3 सीटें थी उनके बंटवारे को लेकर आज जो सामंजस्य बैठ सकता है, वहीं डिप्टी सीएम को लेकर भी जो बातचीत चल रही थी उसको लेकर भी कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा? डिप्टी सीएम को लेकर के जो बातचीत चल रही थी फिलहाल उस पर उन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, और पूर्ण विराम ही लगा रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि कोई भी राजनीतिक दल जो उनके साथ गठबंधन में है उसको अभी से ही इस बात का इल्म करा दिया जाए या बता दिया जाए कि आप डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा चुनाव है, और ऐसे में अगर पहले ही पोर्टफोलियो सेट कर दिया जाएगा तो जो चुनाव में मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और पार्टी करती हुई नजर नहीं आएगी। तो ऐसे में पोर्टफोलियो सेट अभी नहीं किया जाएगा, और अगर इस तरह की जो भी अटकलें निकलकर सामने आ रही है वो महज अटकलें ही है, और जयंत चौधरी की तरफ से भी अगर इस बात को कहा गया है तो वो भी ये जानते हैं कि अगर पोर्टफोलियो सेट कर दिया जाए या ये बता दिया जाए कि आने वाले दिनों में आपको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, तो ये अपने में ही एक हंसी मजाक का जो मुद्दा है वो सामने सत्ता दल के लिए और दूसरे विपक्षियों के लिए बन जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक सपा की सरकार आई नहीं है, और ऐसे में अगर पहले ही डिप्टी सीएम या बाकी नामों को तय कर दिया जाए तो वहां पर वो कहीं ना कहीं मजाक हो जाएगा अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी वापस नहीं आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये रणनीति तय करी गई है कि समाजवादी पार्टी के बैनर के तले हो सकता है कि आने वाले दिनों में 30 सीटों पर आरएलडी का जो गठबंधन है वो पश्चिम में चुनाव लड़ेगा। जी नितिन, जिस तरह से गठबंधन की बात हम कर रहे हैं, गठबंधन पूरी तरह से तय माना जा रहा था, लेकिन 3 सीटें जो थी वो प्रमुख थी जिन पर बात नहीं बन पा रही थी। ऐसे में उन 3 सीटों पर ऐसा क्या विवाद था जो दोनों ही पार्टियों के बीच में मसला सुलझ नहीं पा रहा था, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे? 3 सीटों के बारे में जिन पे बात हो रही थी, हालांकि उसका भी सही तरीके से कोई खुलासा नहीं किया गया है कि वो कौन सी 3 सीटें थी, लेकिन ये दूसरे राउंड की जो बैठक चल रही है इस बैठक में ये सहमति जरूर हुई है कि 30 सीटों पर चुनाव जो है वो आरएलडी लड़ेगी समाजवादी बैनर के तले। 3 सीटों जो प्रमुख 3 सीटें हैं जहां पर सपा का भी जो दबदबा है वो काफी कुछ रहा है, और वहां पर सपा के कुछ पुराने नेता जो है वो पहले काफी दिनों से तैयारी भी कर रहे थे। तो ऐसे में अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि वहां से
सपा के बैनर के तले ही प्रत्याशी को उतारा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर जो दोनों के बीच जो चर्चा है वो इस वक्त चल रही है और बताया यही जा रहा है कि उस पर भी जो निष्कर्ष है वो आज निकल जाएगा। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज सीटों के बंटवारे पर मुहर लग सकती है, इस वक्त बैठक जारी है। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ एक फोटो ट्वीट की है जहां पर उन्होंने कैप्शन लिखा है बढ़ते कदम, जिसके बाद अब गठबंधन को लेकर जो कयास है वो तेज होते दिखाई दे रहे हैं।